आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक पिंड जो है वो समान घनत्व वाले द्रव में तैर रहा है, मतलब कि जितना उस पिंड का घनत्व उतना ही वो जिस द्रव में तैर रहा है उसका भी घनत्व है, तो क्या होगा यदि उसे थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए। तो इसके उत्तर को जानने के लिए हम इसका एक चित्र बना लेते हैं, फिर हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चित्र बना लिया। ये देखिए हमारा पिंड है, अगर ये हमारा द्रव में तैर रहा है तो हमारे इस पिंड का घनत्व अगर रो है तो हमारा ये जिस द्रव में तैर रहा है उस द्रव का भी हमारा जो घनत्व होगा वो हमारा रो होगा। तो इस पिंड का जो घनत्व रो होने की वजह से इस पिंड का जो भार होगा एम जी नीचे की तरफ, और इस पर जो ऊपर की तरफ उत्प्लावन बल लगता है एफ जो द्रव द्वारा लगाया जाता है वो ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि दोनों के जो हमारे घनत्व हैं वो सेम है, तो हमारे उत्प्लावन बल जो होगा एफ वो हमारा एम जी के बराबर होगा, जिसकी वजह से क्या होगा ये जो हमारा द्रव पिंड है वो द्रव की में बिल्कुल इसकी पिंड की हमारी ऊपरी सतह बिल्कुल द्रव की ऊपरी सतह के बराबर होगी। इस तरह से तैर रहा होगा, मतलब ये पिंड पूरी तरह से मतलब द्रव में डूबा हुआ तैर रहा होगा, द्रव की सतह के नीचे तैर रहा होगा, क्योंकि एफ जो है एम जी के बराबर है। अब हमसे प्रश्न में कहा कि हमने इसमें थोड़ा सा और मतलब इस पर बल लगा के दबा दिया, मान लीजिए हमने इस पर एफ वन बल लगा के दबा दिया, तो हमारा नीचे की तरफ जो कुल बल हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एफ वन प्लस में एम जी, इतना बल हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा, और हमारा ऊपर की तरफ बल जो है वो केवल और केवल एफ है, जो कि हमारा एफ जो है एम जी के बराबर है। यहाँ समीकरण से देख रहे हैं तो हमारा नीचे की तरफ जो लगने वाला बल है वो एफ वन टाइम्स जो हमारा है एफ वन इतना जो है इतना अधिक हो जाएगा, इतना बल हमारा नीचे की तरफ अधिक लग गया, जिसकी वजह से क्या होगा ये पिंड हमारा जो है नीचे की तरफ डूबना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने इस पर बल लगा के छोड़ दिया है, और ये डूबता डूबता बिल्कुल इसकी तलहटी पर आ जाएगा, जहाँ पे ये द्रव की जो तली है वहाँ तक बिल्कुल डूब जाएगा, क्योंकि इस पर जो इनका परिणामी बल है वो जीरो है, और इतना सा अधिक बल देने से ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा और ये चलता चला जाएगा, और जब ये इसकी तली पहुँच जाएगा तो रुक जाएगा। तो इसका उत्तर यही होगा कि जब हम उस पर थोड़ा सा भी दाब लगाएंगे तो हमारा जो पिंड है वो डूब जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।